दोस्तों, हमारे घर की लाइट्स या आउटडोर की लाइट्स को ऑटोमेट करवाने का एक एफिशिएंट तरीका यानी मोशन सेंसर का इस्तेमाल ही है। मोशन सेंसर का यूज करके आप ना केवल आपके घर को ऑटोमेट कर सकते हो बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बचाकर लग्जरी भी बढ़ा सकते हो। मोशन सेंसर का यूज वाइडली किया जाता है मॉल्स के एंट्री गेट्स को ऑटोमेट करने के लिए, फार्म हाउस पर, गार्डन्स में। इवन आप ये मोशन सेंसर आपके किचन में, बाथरूम या वॉशरूम में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसी जगह जहां अननेसेसरी लाइट्स आपकी शुरू रहती है, उन सारी जगहों पर आप मोशन सेंसर्स इंस्टॉल कर सकते हो। मोशन सेंसर्स में दो मेन कैटेगरीज है जो मोस्टली यूज की जाती है, एक है PIR मोशन सेंसर और एक है माइक्रोवेव मोशन सेंसर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सेंसर्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिससे अगर आप फ्यूचर में मोशन सेंसर्स लेने का सोचो तो आपको दोनों में से आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने में तकलीफ या कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है तो वेरी गुड गाइस, आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। ब्लैक टी इलेक्ट्रिक कंपनी ये सेंसर सेल करती है। मैंने बेस्ट प्राइस परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही सप्लायर का कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। कंपैरिजन से पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं दोनों मोशन सेंसर्स किन प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो जो PIR सेंसर यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, वो यूज करता है हीट जो किसी भी ह्यूमन या एनिमल बॉडी से एमिट होती है। अब हीट तो सभी चीजें एमिट करती है, तो इसे समझते हैं। मानो एक रूम है जहाँ पर PIR मोशन सेंसर इंस्टॉल्ड है। सेंसर के ऊपर होता है एक फ्रेजनल लेंस जो IR बीम्स सारी रूम में स्प्रेड कर देता है। रूम का एम्बियंट टेम्परेचर ये बीम्स रीड करती है। अगर इन टेम्परेचर रीडिंग्स में किसी एक बीम को जरा सा डिफरेंस डिटेक्ट होगा, एग्जाम्पल कोई इंसान वहाँ आने से, तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और अगर सारी बीम्स वापस सेम टेम्परेचर सेंस करती है तो लाइट्स अगेन ऑफ हो जाएंगी। वही माइक्रोवेव सेंसर्स की बात करें तो वो एमिट करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स, और उन सिग्नल्स को कितना टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में, उस पर ये डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसे इको टाइम भी कहते हैं या डॉपलर इफेक्ट। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इस इको टाइम का यूज एक बेसलाइन जैसे किया जाता है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पर फिक्स होती है और एक डिटेक्शन जोन बनाती है। जैसे ही उस डिटेक्शन जोन में कोई इंसान आता है तो इको टाइम डिस्टर्ब होने के कारण सेंसर ट्रिगर होता है और लाइट ऑन हो जाती है। अब डिफरेंस देखते हैं। वैसे वर्किंग प्रिंसिपल भी एक टाइप का डिफरेंस ही है दोनों में। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट डिफरेंस है सेंसिटिविटी। PIR मोशन सेंसर जो हीट प्रिंसिपल पर चलता है अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर से, यानी ठंडी के समय ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है और छोटे छोटे मोशंस भी डिटेक्ट कर लेता है 24 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पर, टू बी मोर स्पेसिफिक। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी हॉट प्लेसेस जैसे बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, ऐसी गर्म जगहों पर आपको PIR सेंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, माइक्रोवेव सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ते या घटते टेम्परेचर से जरा भी अफेक्ट नहीं होती। PIR सेंसर में जब कोई इंसान उस सेंसर की तरफ चलकर आता है तब सेंसर को मोशन सेंस करने की तकलीफ होती है, इसलिए PIR मोशन सेंसर का इंस्टॉलेशन काफी ध्यान से करना होता है। सही हाइट और सही पोजिशनिंग नहीं की तो ये इफेक्टिवली एफिशिएंट मोशन डिटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। वही माइक्रोवेव सेंसर बेस्ट है बड़े एरियाज के लिए या ऐसी जगह जो असिमेट्रिक हो जैसे गार्डन्स, ड्राइववेज, क्योंकि ये सेंसर ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू PIR सेंसर्स। ये सेंसर मोशन को स्पीड और टाइम वाले पैरामीटर पर सेंस करते हैं, ना कि हीट पैरामीटर पर। कभी कभी माइक्रोवेव सेंसर फॉल्स ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा की वजह से कोई ऑब्जेक्ट्स मूव होते हो जैसे ट्रीज, प्लांट्स, कर्टन्स वगैरह, PIR मोशन सेंसर्स के सामने ऑब्स्टेकल रखने से उनकी रेंज कम होती है और कभी कभी जीरो भी हो जाती है। वही माइक्रोवेव सेंसर्स प्लास्टिक, ग्लास या पतली दीवारों के आर पार भी सेंस कर लेते हैं। तो स्विच बोर्ड के अंदर भी आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो या POP के अंदर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। PIR सेंसर के मुकाबले माइक्रोवेव सेंसर्स का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ये 1,00,000 घंटों के बाद भी करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेंसिटिविटी आप माइक्रोवेव सेंसर्स में एडजस्ट कर सकते हो, PIR सेंसर में ये ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों, लोगों में माइक्रोवेव सेंसर्स का अवेयरनेस उतना नहीं है जितना PIR सेंसर का है, बट अभी लोग ज्यादा से ज्यादा माइक्रोवेव मोशन सेंसर्स लगाना प्रिफर कर रहे हैं और उनमें माइक्रोवेव मोशन सेंसर का अवेयरनेस भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो दोनों सेंसर्स में आपको सिर्फ 100 रुपए से 200 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों मैं तो आपको माइक्रोवेव मोशन सेंसर लेना ही रेकमेंड करूंगा। बल्क क्वांटिटी में अगर आप परचेस करोगे तो आप रीसेल भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अभी मोशन सेंसर्स को ज्यादा डिमांड है। हमारे होम ऑटोमेशन सीरीज के मोस्ट वीडियोस में भी मैंने मोशन सेंसर का इस्तेमाल बताया है। ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की वेबसाइट या डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके आप ये खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको ये कंपेरिजन वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।